देखिए, सनातन धर्म कोई भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं है। सनातन धर्म इस देश और दुनिया की विरासत है। और सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, सनातन साइंस है, विज्ञान है। सनातन हमको आपको जीवन जीने की शैली बताता है, हमको आपको सिखाता है कि हम आप राष्ट्र में कैसे योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए दे सकते हैं। लेकिन कुछ दल, कुछ सरकारें, कुछ संगठन धर्म के नाम पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, धर्म के नाम पर पिछड़े दलितों पर अन्याय करते हैं, उनको छोटा बताते हैं, उनको शूद्र बताते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताते हैं, सबको बराबर का सम्मान नहीं देते। हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, सनातन के खिलाफ नहीं। वही 2024 के आगामी चुनाव को लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चाहे जितने भी लोग एक व्यक्ति का विरोध में एकजुट हो जाएं, नरेंद्र मोदी को हराना असंभव है, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया है कि जो देश के आगे जा रहा है, इसका विकास कर रहे हैं, इसके लिए 2024 लोकसभा जो चुनाव है वो दही हांडी देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी भी तोड़ रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, ये दोनों लोग अहंकार के खिलाफ लड़े, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़े हैं, दोनों लोग झूठ के खिलाफ, नफरत के खिलाफ लड़े हैं। दोनों भगवान गरीब को गले लगा करके, कमजोर का सहारा बन करके, अन्याय के खिलाफ लड़ करके उन्होंने हमको आपको ये जीवन में सिखाया है कि किसी के खिलाफ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का हक नहीं छीना, दलितों का हक नहीं छीना, मुसलमानों से नफरत की भाषा नहीं बोलते हैं, ये भेदभाव नहीं करते, बंटवारा नहीं करते। तो अगर ये ऐसा काम करते हैं तो भगवान भी अब की भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचाएगा। चुनाव में आज काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो 7100 वोटों से अभी तक आगे हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे राउंड की गिनती होती जाएगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को लीड मिलती जाएगी, और घोसी का जो परिणाम आ रहा है ये देश के 2024 के चुनाव का परिणाम की वानगी है। घोसी की लोगों ने, घोसी की सम्मानित जनता ने, घोसी का किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान हो, सबने संदेश दे दिया कि वो देश में महंगाई के खिलाफ हैं, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हैं, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उनकी लूट के खिलाफ हैं, उनके अहंकार के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है पूरा देश का यही संदेश है जो घोसी ने दिया है। और घोसी के चुनाव में जिस तरीके से अधिकारियों ने उपद्रव किया है, बेईमानी की है, तांडव किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा है, पीटा है, थाने में बिठाया है, हो सकता है ये सरकार उनको इनाम दे दे। लेकिन हम लोग भी हिसाब किताब लगाए हैं, हम लोगों ने भी डायरी बनाई है, जब कभी जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सरकार में आएंगे, ये अधिकारी नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे, तब हम लोग सजा देंगे इनको। क्योंकि गलत जो करेगा उसको सजा मिलने में देर होगी, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर जी ने मिठाई बांट ली है, मिठाई भाजपा के नेताओं को खिला दी है, अब जब घोसी का परिणाम आने लगा है तो वही मिठाई का स्वाद बीजेपी के लोगों को कड़वा लगने लगा है। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि 10 बजे समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई नहीं देंगे, मुझे लगता है 12 बजने वाला है, ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो हम लोग खोज रहे हैं, आप खोज रहे हैं, शाम को पूरी सरकार खोजेगी ओम प्रकाश राजभर को।